दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 12.2 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या है, एक वृत्त है, उस त्रिज्या खंड का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ओके, जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। ओके, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या खंड कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे अगर फिगर बनाते हैं तो ये सपोज क्या है, मेरा वृत्त है। ओके, उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ से ये बिंदु है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 6 सेंटीमीटर। और कितना बना रहा है, एंगल जो बना रहा है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तब जाके क्या बोलता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो ए बी और सी ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मेरा थीटा का मान अगर देखा जाए तो कितना है, 60 डिग्री है। आर का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या खंड कितना है, 6 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला ऑलरेडी बताए क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाय आर स्क्वायर। ओके, थीटा का मान कितना है, 60 60 बटे 360 डिग्री गुना पाए का मान कितना बोल रहा है, 22/7। आर का मान कितना है, 6 पे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 6/6 पे कितना हो जाएगा, 36। उसके बाद एक बार में ये 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 दुनी 12, 6 दुनी 12 13, 132 बटे कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 132/7 सेंटीमीटर। आप लोग तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे रीडिंग हल कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कितना है, 2 नंबर। इसमें क्या बोलता है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि एक वृत्त का जो है जिसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, यानी कि एक सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है गाइस, 2 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे देखा जाए हमारा जो है, सो 2 नंबर क्वेश्चन उसमें क्या है, एक वृत्त का परिधि दिया है, वृत्त का परिधि दिया है, कितना दिया हुआ है, वृत्त का जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर क्या हुआ है, दिया हुआ है। तब उसका चतुर्थांश, तो वृत्त का परिधि बराबर से पहले त्रिज्या निकालते, वृत्त का परिधि 2 पाई आर बराबर कितना हुआ, 22। ओके, तो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, 11, यानी कि आर का मान कितना देख सकते हैं, 11/π। ओके, तो मेरा आर का मान कितना हुआ, 11/π। अब क्या बोलता है, वृत्त का चतुर्थांश निकालने के लिए, वृत्त का चतुर्थ थांश, तो वृत्त का चतुर्थांश का ऑलरेडी फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल r/4 होता है। ओके, तो मेरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 4। ओके, तो पाई, और इसके बाद r का मान कितना है, ग्यारह बटे कितना है, पाई इंटू 11/ कितना हो जाएगा, सॉरी 11/ कितना हो जाएगा, पाई बटे कितना हुआ, 4। ओके, तो पाए पाए एक बार कैंसिल हो गया। ओके, अब मेरा यहाँ जो मान बचा क्या होता है, 121/π, और संपूर्ण में कितना है गाइस, 4 है। ओके, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 121/4 सॉरी पाए, और भाग कितना है मेरा, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 121 पाए का मान अगर रखते हैं तो 22/ कितना होता है, 7 गुना 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 121 गुना 7/22, और गुना कितना आ जाएगा, 1/4, तो 11 गुना 11, 121, 11 दुनी 22। ओके, तो ये हो जाएगा 77/4 दुनी 8, 177/8 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका आंसर। ओके, आप लोगों को तो बताना चाहेंगे कि इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा जिससे आप लोग इसको इजीली हल कर सकते।